बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आया नु ते वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग विद रैम्बो एंड साहिबा दे नाल हसदे रहो बसदे रहो खांदे रहो ते जींदे रहो जी गुड मॉर्निंग वेलकम टू आवर शो मैं हूं आपकी होस्ट साहिबा और मैं हूं जान रैम्बो सुबह बखैर जिंदगी आहा फ्रेश हो गया फ्रेश हो गए अभी तो हमारे जो गेस्ट आएंगे आप और भी फ्रेश हो जाएंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज का जो मेरा है आउटफिट वो है गोल का गोल गोल किने की तरह मुझे पहले ही पता था कि आप ये जरूर कहेंगे अच्छा गोल अपना वो शुरू हो रहा है ना वर्ल्ड कप मैं तो शायद मैच आज देखने चले गए नहीं ये एमएम आलम रोड पे एक बुटीक है उसका नाम है गोल ओ गोल माल ते नहीं किधर नहीं 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 गोल माल नहीं गोल है बड़ा अच्छा माल है वहां बड़ा अच्छा जी वेरी गुड जबरदस्त जी और मेरे कपड़े तो पता है जी कि मैं तो पिछले कई महीने तो इन्हां दे कपड़े पा रहे हैं ग्रेविटी ग्रेविटी वाले दे जी तुहानू चाहिए हुण ते फौरन निकलो हुसैन चौक के नाल ही उन्होंने दुकान है तो उतो जाके शोरूम दुकान में कह देता है पेंडू काम हो रहा है ना पंजाबी है तो उसे हट्टी भी कहते हैं पंजाबी दुकान में अच्छा। हाले तो शुगर में हट्टी नहीं किया शोरूम है जी उतने जाओ तो ठंडिया तो खुलियां बेहतरीन शर्टा लेने ये तो आपने बिल्कुल ठेठ पंजाबी शो शुरू कर दिया हाँ जी बिल्कुल जी है ही पंजाबी जी व्यूअर्स आपके मैसेजेस बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं और हमने अपना पोस्टल एड्रेस भी दिया है बिल्कुल दिता जी अपना MRS 68B1 गुलबर्ग 3 लाहौर लाहौर तो आप अपने लेटर्स भेजें और अब बहुत से लेटर्स आ भी चुके हैं हम लेकिन हम इसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे कुछ अरसे बाद ठीक है आज की दिन है जी फादर्स डे स्पेशल हाँ जी और आज की हमारी ग्रैंड गेस्ट हैं बताऊं बताओ शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन उनके बारे में कहा जाता है शी केम शी सॉ एंड शी कॉन्कर्ड लॉलीवुड क्वीन नंबर वन हीरोइन मीरा मीरा और एक ये भी खबर है जी इन्होंने बारे के दस चल रहे मैं तो भी याद नहीं 2009 में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे सर्च की जाने वाली हमारी हाँ जी लॉलीवुड की क्वीन लॉलीवुड क्वीन जी आज वो कल नहीं होंगे आज फादर डे पे जी जाहिर है उन्होंने नाल वाले साहब भी होंगे सरवर शाह साहब और उन्होंने नाल उन्होंने अपना स्टार मेकर भी होंगे स्टार मेकर हैं उनके जो मीरा को उंगली पकड़ कर लेकर आए इंडस्ट्री में और हमारी इंडस्ट्री को चार चांद लगा दिए मीरा के आने से तो हमारी इंडस्ट्री यहाँ चली गई वो है जरार रिज़वी स्टार मेकर जी हाँ जी पहले साढ़े नाल थोड़ा अद्धा अद्धा प्रोग्राम साढ़ा जिहड़ा जरार रिज़वी साहब सरवर शाह साहब मीरा के वालिद और मीरा खुद होणगे उस तो बाद दो परसनैलिटियां साढ़े को होर भी ने जी ए मीरा ने पहली दफ़ा किया जी कि किसी प्रोग्राम में वह भी उन्होंने कहा जी कि आपके प्यार में आपकी मुहब्बत में साड़ी भी बड़ी अच्छी प्यारी दोस्त भी है बहुत प्यारी तो कहा जी आपके लिए स्पेशली है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ रही हूँ और बाद सानू ज्वाइन करेंगे जी उन्होंने दो कज़न ने जी सैयद बाबर अली नकवी और सैयद तसवर हुसैन शाह वो भी सानू ज्वाइन करेंगे जी और बहुत सारी गल्लां होंगियां माँ बाप और बेटी के प्यार दे बारे कज़न ने और फिल्मों के बारे फैमिली के बारे उन्हां दा एक ट्रस्ट भी चल रहा है वो बारे बहुत सारी गल्लां होंगियां और आज तो मेरा ख्याल है कि कोई ये प्रोग्राम मिस करना ही नहीं चाहेगा हाँ। अगर कोई चाहना भी होएगा ना कि मैं मिस करा मैं निकल नहीं सकेगा आज छुट्टी पा जी छोड़ दो सारे काम आज तो है ही छुट्टी हाँ कमां दी भी छुट्टी घर दी रोटी छोटी भुल जाओ तो बह जाओ टीवी के सामने तो लवो एक ब्रेक ब्रेक तो बाद साढ़े नाल होएगी जी मीरा विद फैमिली फादर्स डे स्पेशल सुबह बखैर जिंदगी यू आर वाचिंग मॉर्निंग विद रैम्बो एंड साहिबा कीप वाचिंग एंड कीप रॉकिंग विद अस वी विल बी राइट बैक पाजी मैं तो एक ही गल करना जी अपना फिर अपना ही होंदा है तो देखते रहो अपना चैनल मीरा आ रही है किधर जाना है जी आयनू जी मॉर्निंग विद रैम्बो एंड साहिबा दे नाल हसदे रहो वसदे रहो खांदे रहो ते जींदे रहो जी ते वेला हो गया हुण हमारी ग्रैंड गेस्ट का और फादर्स डे के हवाले से जो आज हमारी ग्रैंड गेस्ट हैं जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चलें उनके बारे में बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी रहीं उनका मजाक भी उड़ाया गया उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया
लेकिन उन्हें जो अल्लाह ने मकाम दिया वो यहाँ थी और हमेशा यहीं पर रही, और यही उनकी कामयाबी की वजह है कि उन्होंने कभी किसी को ऐसा नहीं कहा, हमेशा अपना चुपचाप अपना काम करती रही हैं। तो लेट्स वेलकम लॉलीवुड क्वीन मीरा। मीरा बदले फिर तो सारी दुनिया देती है, दिल के बदले फिर तो सारी दुनिया देती है, हम तो दिल के साथ ही अपनी जान भी दे देंगे। दिल के बदले फिर तो सारी दुनिया देती है, और बताए कौन आए हैं। हाँ जी, मीरा के फादर है जी सैयद सरवर शाह साहब, और इनके स्टार मेकर जिनको हम कहते हैं जेरी अंकल जरार रिज़वी जी। आइए आइए सर। वाह जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आज आपने पूरी फैमिली को बुला लिया हमारे लिए। इसलिए कि मैं आज आपके शो में आ रहे, हमारे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये हमारे जेरी अंकल से हैं जनाब। क्या बात है, तुसी तो आइए आइए प्लीज बैठिए। आइए अच्छा जी, आइए शाह साहब भाई प्लीज। थैंक यू जी। आज तो रौनक ही लग गई ने, क्या बात है जी। जनाबे अली मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज अपने फादर के साथ और जरार साहब के साथ, अपने दोनों कजन्स के साथ और अपने दो बहुत ही खूबसूरत दोस्तों के साथ। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पता है जरार साहब को हमने क्यों बुलाया? हाँ। जरार साहब उस्ताद ने और उस्ताद भी बाप की जगह होने ने, तो फादर डे के हवाले नाल असीं कहा कि जरार साहब की भी एंट्री बड़ी जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखो ना किस किस्म दी लचकां पा रहे, मेरे तो चमक पै रही है, मेरे अखा च मेरे तो समझ नहीं आ रही। अच्छा मीरा जरार साहब से, सॉरी जरार साहब के नाल साडा बड़ा मजाक है जी, ये पूरे लॉलीवुड के ना ही अंकल ने, और इन्होंने असीं बड़ा प्यार करने हैं और मजाक भी करने हैं। खैर अंकल ना कहें आप, ऐसे ही उनको सब अंकल कहने लगे हैं। जेरी हैं बस वो। जेरी और सिर्फ टॉम की जरूरत है जी, जेरी साडे को अंकल भी, वो तो सहरा करा वो जेरी सिर्फ मेरे अंकल हैं और किसी के नहीं। मेरे नहीं है, अन्ना के अंकल। ठीक। अच्छा मीरा, आपके फादर फर्स्ट टाइम किसी शो में आए हैं? जी हाँ, मेरे अबू पहली दफ़ा किसी शो में आए हैं। अच्छा। और जब स्पेशली मैंने इनसे जिक्र किया कि मैं साहिबा और रैम्बो के हम शो में जा रहे हैं, तो अबू को बहुत खुशी हुई, इसलिए कि ये आप दोनों को बहुत पसंद करते हैं मेरे अबू। अच्छा, थैंक यू जी। कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग गया। अच्छा, साड़ी जोड़ी अल्लाह ताला सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी। फादर डे के हवाले नाल पूरी दुनिया से डे मनाया जाता है, और सब नू मेरी तरफ मुबारक है, और तानू भी मुबारक हो। खैर मुबारक। और एक बहुत अहम दिन है जी जी, जिदी कोई मिसाल नहीं है। हाँ जी, क्योंकि बाप वो शख्सियत है कि दुनिया दुनिया के बीच उदा नाल दे कोई बराबर बराबर उसकी शख्सियत कोई कोई नहीं। बिल्कुल सही। बाप, हाँ जी, क्योंकि बाप बाप ही है, और बाप जो ना छोटे जब बच्चों को परवरिश करता है, बड़ा जवान करता है, उसके बाद माशाल्लाह बच्चे जवान होते हैं, उनकी हर खुशी के लिए वो अपना सब कुछ करता है, कुर्बान कर देता है। कहते हैं ना कि जी वो अपना तुसी देखना चाहते हो, खुदा थोड़े को खुश है तो अपने प्यो नू वेख लो, अगर वो खुश है तो खुदा खुश है, अगर प्यो नाराज है तो खुदा नाराज। जी बिल्कुल सही कहा। तो आप बताएं कि आप कैसी